हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। इस मूवी को रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया और मूवी थिएटर में नजदीक है, और इस मूवी से रिलेटेड काफी चार कमाल के अपडेट आए हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जो कि है पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड अपडेट, रनिंग टाइमिंग से रिलेटेड अपडेट जो कि गार्डियन द गैलेक्सी की बताई जाएगी, और उसी के साथ कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन अपडेट के बारे में। इस मूवी में एक कैरेक्टर का सबसे ज्यादा नाम आ रहा था काफी टाइम से, और शायद मैंने भी कुछ कुछ वीडियोस में उसके अपडेट दिए थे। तो अब शायद रूमर आ रहा है कि कंफर्म है कि आपको थॉर लव एंड थंडर में पीटर रे विल देखने को नहीं मिलेगा। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और रूमर्स ये आ रहे थे कि मूवी की लास्ट जो थॉर की मूवी होगी उसमें आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, पर हाल फिलहाल भी रूमर आया कि पीटर रे विल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो की है गार्डियन द गैलेक्सी की टीम से रिलेटेड। अब उस मूवी की जो रनिंग टाइमिंग है वो है 1 घंटा 59 मिनट की, पर इसमें जो गार्डियन द गैलेक्सी की रनिंग टाइमिंग है ओवरऑल पूरी मूवी की वो है करीब 10 मिनट की, सिर्फ ओनली 10 मिनट। भाई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का तो हमें प्रॉपर अच्छा सीन चाहिए था, और कम से कम हंसी मजाक के सीन तो भाई हमारे स्टार लॉर्ड ही करते हैं थॉर से, जो कि हमने ट्रेलर में तो देख चुके हैं। तो टोटल 10 मिनट की रनिंग टाइमिंग देखने को मिली है। अब ये रूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं, ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड। तो मूवी में ज्यूस कैरेक्टर है, ठीक है, उनका बेटा है हरकुलिस। तो आपको जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा वो होगा हरकुलिस का देखने का, कि जब वो अर्थ पर आएगा तो कुछ इस टाइप का पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। अब इससे रिलेटेड भी एक और अपडेट है, फोर्थ नंबर अपडेट, जो कि है इसकी कास्टिंग से रिलेटेड, कि हरकुलिस का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। तो रूमर जो आया है कि बैट इसका कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अब हाल फिलहाल तो रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, और उसी के साथ अगर ये चारों अपडेट अगर कंफर्म हो जाता है तो भाई मजा आने वाला है, और हरकुलिस का पोस्ट क्रेडिट सीन तो मुझे लगता है कि बहुत धमाके मचा देगा, और आने वाली फ्यूचर मूवी सेटअप का भी पता चलेगा। और काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि डिज्नी प्लस पर हरकुलिस के ऊपर एक सीरीज बनेगी। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।